नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। झुंझुनू के दूधवा गांव में बाबा ठाडेश्वर महाराज के आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन, महंत बाबा जसनाथ महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ झुंझुनू के मालेगांव पहुंचे, शहीद राजेंद्र बाबू के परिजनों को सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के आत्मघाती हमले में झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल भी हुए घायल, गांव में सलामती के लिए मांगे जा रहे दुआ। बारा जिले के हरनावदा शाजी में भारी बारिश से बस्तियों में भरा पानी, नदी नाले उफान पर, आने से रास्ते बंद, घरों और दुकानों में भरा पानी। करौली जिले के नॉन पुलिस ने काचरौली बस स्टैंड पर की कार्रवाई, स्टैंड के पास धारदार छुरा लेकर घूमते आरोपी को गिरफ्तार किया। बारा के छबड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव पर डीएम और एसपी ने किया सम्मान, स्वतंत्रता सेनानी राधेश्याम भार्गव के निजी आवास पर पहुंचकर किया सम्मान। बारा के किशनगंज में कांग्रेस की गौरव यात्रा का हुआ समापन, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया। बारा के लिसाड़िया गांव में 15 अगस्त के दिन खुली रही शराब की दुकानें, प्रशासन बना रहा मूकदर्शक। अजमेर जिले के बागड़ गांव में श्री सीमेंट लिमिटेड की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कंपनी के अध्यक्ष संजय मेहता ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में दरअसल नौरंग राय विजय कुमार देवड़ा परिवार की ओर से दादी का मंगल पाठ कार्यक्रम का आयोजन, भक्ति भाव में झूमे श्रद्धालु। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी अजमेर देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने तेजाजी मंदिर में फहराया तिरंगा। अजमेर के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से फहराया गया तिरंगा, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया। अजमेर जिले के केवानिया गांव में समाजसेवी लालाराम प्रजापत की ओर से लंपे वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास, देसी दवा का काढ़ा तैयार करके गायों को पिला रहे हैं। अजमेर जिले के शोकलिया के राजकीय विद्यालय की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली, प्रधान अध्यापिका अंजना पांडे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने गाँव में रैली निकाली। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा में बरसात की वजह से कच्चे मकान की गिरी छत, हादसे के चलते सारा सामान क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंचे पटवारी ने किया मौका मुआयना। नागौर के खेल स्टेडियम में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने किया ध्वजारोहण। नगर पालिका मेड़ता सिटी के अधिशासी अधिकारी राम रतन चौधरी को किया गया जिला स्तर पर सम्मानित, प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 5,000 से अधिक पट्टे जारी किए गए थे। नागौर में स्वतंत्रता दिवस पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर आरएएस अधिकारी दिनेश कटाणिया को सम्मानित किया गया, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सम्मानित किया। नागौर जिले के साडो का निवासी शिवराज डुकिया ने अपने जन्मदिवस पर पौधे लगाए, पौधों के बड़ा होने तक देखभाल करने का संकल्प लिया। नागौर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, शहरवासियों ने किया सर्किट हाउस में स्वागत। नागौर जिले के कुचेरा में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली का आयोजन, डेगाना के पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा समेत शहरवासियों ने निकाली तिरंगा रैली। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में कच्चे मकान की गिरी छत, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। बांसवाड़ा के एसपी राजेश कुमार मीणा ने पाटन एसएचओ भवानी शंकर खराड़ी को किया लाइन हाजिर, मामले में दिए जांच के आदेश। बांसवाड़ा के आंबापुर में एक महिला ने किया जहरीली दवा का सेवन, इलाज के दौरान महिला की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बांसवाड़ा के बाला सिंदूर गांव में एक युवक ने किया कीटनाशक दवा का सेवन, इलाज के दौरान मौत, पुलिस कर रहे मामले की जांच। पाले के देसरी में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, विद्यार्थियों ने की दी देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति, 2 दर्जन से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान। पाले के देसरी में पुलिस की ओर से हरिओम आश्रम स्थित बॉर्डर पर एक महीने के लिए लगाई गई पुलिस चौकी, पुलिसकर्मी रखेंगे 24 घंटे नजर, रोहट में जातरुओं के साथ हुए हादसे के बाद पुलिस ने लगाई चौकी। डूंगरपुर के पुनाली में नाथ रावल समाज दोबड़ा चौकला की नवीन कार्यकारिणी की बैठक आयोजित, बैठक में नई कार्यकारिणी का अभिनंदन किया गया। डूंगरपुर जिले के मांडवा गांव में घर में कोबरा सांप घुसने से मचा हड़कंप, स्नेक कैचर ललित श्रीमाल ने सांप का रेस्क्यू किया। बिलाड़ा के मोती सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, जिस एसडीएम भवानी सिंह चौरण ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली, 80 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने रात में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा किया, मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा में आजादी के पर्व पर निकाली गई तिरंगा रैली, ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर रैली निकाली गई।
डूंगरपुर जिले के सुनेला फला गांवों में स्कूल के बच्चों को निःशुल्क बैग वितरित किए गए। भामाशाह की ओर से 61 बैगों बच्चों को बैग का वितरण किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में आजादी के अमृत महापर्व पर अल्पसंख्यक समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा का लोगों ने किया स्वागत। जालौर में स्कूली छात्र की मौत के मामले में डूंगरपुर जिले में श्री बी आर अम्बेडकर युवा संगठन ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। संगठन ने की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की मांग। जोधपुर के बिलाड़ा में बालिका बिना बताए घर से निकली, परिजनों को नहीं पता चला बेटी का आता पता। घर वालों ने थाने में दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला। जोधपुर के बिलाड़ा में मास्टर कृष्णलाल कॉलोनी से बाइक हुई चोरी, पुलिस कर रही मामले की जांच। पाली जिले के बाली में राजकीय विद्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम धायगुड़े स्नेहल नाना मौजूद रहे, कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुतियां। जोधपुर के बिलाड़ा में एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करके रुपए हड़पने और व्हाट्सएप ग्रुप में गलत मैसेज भेजने वाले के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के तिवरी में अज्ञात पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक चालक की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जोधपुर के ओसिया में सभी स्कूलों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम राजकेश मीणा ने ध्वजारोहण करके मार्च पास्ट की सलामी ली। जोधपुर के ओसिया में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूलों में बच्चों ने दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ग्रामीण उपस्थित रहे। जोधपुर के ओसिया में श्री लालचंद मिलापचंद ढड्डा जैन महाविद्यालय में धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीएम चोपड़ा मौजूद रहे, बच्चों ने दी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जोधपुर के लोहावट में अमृत महोत्सव के तहत हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम राजकीय विद्यालय में आयोजित किया गया। एसडीएम प्रमोद सीरी ने झंडारोहण करके मार्च पास्ट की सलामी ली। जोधपुर के मुपालगढ़ में धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जोधपुर के लोहावट में मिठाई की दुकान पर कार्य करने वाले स्टाफ महेंद्र सिंह ने ईमानदारी का परिचय दिया, पड़े मिले रुपए के भरे पर्स को मालिक को वापस लौटाया। जयपुर के दूदू में कोरोना काल में जनसेवा में जुटे मौजमाबाद तहसीलदार अभिषेक सिंह को एसडीएम ने सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के छालरा पाटन में गिंदौर डाक बंगला मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा सवारी ऑटो, हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत, दो अन्य लोग घायल। झालावाड़ महिला पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गांव की ही किशोरी से दुष्कर्म किया था। चाकसू जयपुर के चाकसू में हरगढ़ तिरंगा अभियान के तहत संस्कार स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से निकाली गई एक विशाल तिरंगा रैली, मानव श्रृंखला और सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन। झालावाड़ जिले के गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार चौधरी को जन्मदिन के अवसर पर चौमहला में लोगों ने बधाई दी और डीएसपी का सम्मान किया। जयपुर के सांभर लेक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांभर लेक थानाधिकारी पूरनमल यादव और कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को बेहतर कार्य करने पर एसडीएम ने सम्मानित किया। थानाधिकारी और कांस्टेबल को एसडीएम ने सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के डग में अमृत महोत्सव के तहत पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार ने अपने निजी आवास पर फहराया तिरंगा। झालावाड़ जिले के डग के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार ने क्यासरा में सांसद दुष्यंत सिंह से मुलाकात की। राजेंद्र परिहार ने सांसद के साथ चौमहला में आयोजित तिरंगा रैली में भी हिस्सा लिया। नागौर के मेड़ता रोड थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने पौधारोपण करके जन्मदिन मनाया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11 पौधे लगाकर वृक्षों को बचाने की शपथ ली। नवलाना बूंदी मार्ग पर नव निर्मित पुलिया पर पानी आने से रास्ता अवरुद्ध, आमजन हो रहे हैं परेशान। बूंदी जिले के श्रीनगर की नदी में युवक की बहने से मौत, पुलिस ने रेस्क्यू करके शव को निकाला बाहर। बूंदी के नैनवा में 2 दिवसीय तीज महोत्सव मनाया गया, चेयरमैन समेत वार्ड पार्षद मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन, शंकर गौरा ने किया रैली का नेतृत्व। जयपुर डिस्कॉम एमजी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चौमू एक्सईएन के पारिक को सम्मानित किया। जयपुर के कालवाड में ड्राई डे के दिन शराब के गोदाम पर धड़ल्ले से बेची गई शराब, प्रशासन बना मूक दर्शक। जोधपुर के देचू में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, एसडीएम मीनू वर्मा ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली, विद्यार्थियों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। जोधपुर के देशों में स्वतंत्रता दिवस पर 29 प्रतिभाओं को एसडीएम मीनू वर्मा ने सम्मानित किया। सरस्वती स्कूल के निदेशक भवर सिंह राठौर को कोरोना काल में लोगों की सहायता करने को लेकर प्रशस्ति पत्र दिया। जोधपुर के गोपालगढ़ में राजीव गांधी युवा क्लब ने स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी को नमन किया, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जोधपुर के जतिवास गांव में बाड़े से हुए 16 गधे चोरी, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जयपुर के चौमू में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम सीमा खेतान ने ध्वजारोहण किया। उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले लोगों को सम्मानित किया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में आजादी के अवसर पर एसडीएम ओम प्रकाश ने 75 पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जैसलमेर के रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सरपंच पुष्पा भार्गव ने ध्वजारोहण किया। परेड की सलामी ली। विद्यार्थियों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। जयपुर के चौमू में होटल चौमू पैलेस के कर्मचारी अशोक बुटोलिया ने दिया ईमानदारी का परिचय। महिला को उसके गिरे पैसे सौंप गए। बाड़मेर जिले की लूणी नदी में लगातार जोधपुर के औद्योगिक इकाइयों से आ रहे रासायनिक पानी की से किसानों को हो रही है फसलें बर्बाद। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। जैसलमेर जिले के धोलिया गांव में सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर लाठी थानाधिकारी अशोक कुमार विश्नोई के नेतृत्व में आपको बता दें कि कई पशुओं के सींगों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर। जैसलमेर के फलसून गांव में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरपंच रतन सिंह जोधा ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में प्रस्तुतियां। जैसलमेर के फलसून में पुलिस ने पशुओं के लगाए रिफ्लेक्टर। सड़क हादसों को रोकने के लिए लगाए गए रिफ्लेक्टर। जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाजसेवी प्रेमकरण सिंह भाटी ने लंपे वायरस से पीड़ित गौवंश का टीकाकरण कराया। जैसलमेर के झाबरा गांव में सरपंच लीला कंवर के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। जोधपुर के बाड़ा कला गांव में लज्जा भंग और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज। पुलिस ने पड़ताल शुरू की और दो आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जोधपुर के बाप में अमृत सरोवर अभियान के तहत तिरंगा फहराकर जल ही जीवन अभियान का शुभारंभ। ऐतिहासिक मेघराजसर तालाब पर कार्यक्रम की शुरुआत। अलवर के किशनगढ़ बास में रोड पर लोगों ने बनाई स्थायी मोटरसाइकिल पार्किंग। हर दिन भर लगा रहता है जाम। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिनों के बाद जोरदार बारिश किसानों के खिले चेहरे। अलवर के तिजारा में मौसम परिवर्तन से सामुदायिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। खांसी जुकाम बुखार वायरल के मरीजों की संख्या अधिक। अलवर के रामगढ़ में जोशी मोहल्ले के लोग कूड़े के ढेर से परेशान। नगर पालिका नहीं दे रही ध्यान। अलवर के थाना गाजी में हीरामल बाबा की निकाली गई पदयात्रा। उदयनाथ धाम से लाई गई पदयात्रा सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। अलवर के खैरतल थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा। थानाधिकारी भगवान सहाय शर्मा ने स्टाफ के साथ किया ध्वजारोहण। चूरू के सरदार शहर में एलडीसी नरेश भारती पर घात लगाकर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जन्मदिन पर सेवादारों ने किया पौधारोपण। जोधपुर के फलौदी में शतान सिंह स्टेडियम में मेजर शतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान ने किया अनावरण। वहीं स्टेडियम में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण हुआ। अलवर के बानासूर में अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और एसडीएम राहुल सैनी ने किया रक्तदान। अलवर के बानासूर में आवारा सांडों ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जालौर जिले में छात्र की हत्या के मामले में बानासूर के युवाओं ने निकाला मौन जुलूस। सरकार के खिलाफ किया रोष प्रकट। अलवर के निमराना में आवारा सांड से बचने के चक्कर में बाइक सवार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल। कोटा के टावा में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार ने किया ध्वजारोहण। समारोह में 47 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। अलवर के तिजारा में आर्य समाज मंदिर में वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम हुआ आयोजित। वेदों का कर रहे प्रचार प्रसार। कैथून थाना परिसर में थाना प्रभारी महेंद्र मारू ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। सभी पुलिसकर्मियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ। चूरू के सरदार शहर में अमृत महोत्सव के तहत थाने में फहराया गया तिरंगा। पुलिस जवानों ने तिरंगे को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कोटा के संगोद में अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी देहात की ओर से निकाली गई तिरंगा ट्रैक्टर ट्रॉली। बीजेपी देहात अध्यक्ष मुकुट नागर ने नेतृत्व किया। कोटा की रामगंज मंडी में नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी ने किया ध्वजारोहण। सभी पार्षदों को मिठाई वितरित की गई। धौलपुर के सराय गजरा मोहल्ले में चाय बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। चाय बनाने गई महिला के दोनों हाथ झुलसे। घर में रखा सामान खाक। अलवर के मुंडावर में प्रो कबड्डी में चयनित खिलाड़ी जय भगवान को शारीरिक शिक्षक संघ ने सम्मानित किया। साफा पहनाकर सम्मान किया। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया ने किया नारायण मीणा का सम्मान। मीणा को बनाया गया एसटी मोर्चा अलवर दक्षिण का जिला उपाध्यक्ष।
हनुमानगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाज सेवी राजेश दादरी को सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत बेटियों के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर सम्मान किया। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता, और आईआईएल का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा बनी तकनीक नई। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। बढ़ते आगे एक बार फिर शुरू कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। चूरू के रतनगढ़ में SBI बैंक में नहीं हुआ ध्वजारोहण, लोगों में रहा चर्चा का विषय। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में मनाया गया अमृत महोत्सव, विद्यालय के सभी छात्र और स्टाफ ने मिलकर बनाई भारत की आकृति। बयाना के दहगावा में अवैध शराब की बिक्री को बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों ने कोतवाली में किया विरोध प्रदर्शन, शराब बंद कराने की पुलिस से की मांग, थानाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। धौलपुर के कंचनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा जिले के खरडाया गांव में 3 मृतकों की अर्थियां उठी, एक साथ ग्रामीणों की हुई आंखें नम, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। धौलपुर के सैपो में थाना प्रभारी परमजीत पटेल का स्थानांतरण हो जाने पर विदाई समारोह का आयोजन। हनुमानगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन, 250 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा को अरोड़ वंश के अध्यक्ष अतुल लधिंगर ने दिखाई हरी झंडी और रवाना किया। भीलवाड़ा के रायला में पेट्रोल पंप के पास ऑल्टो कार की टक्कर से 2 गायों की मौत, वाहन चालक हुआ घायल।
भीलवाड़ा के अमीरगढ़ में एक घर में पत्नी की हत्या, बाथरूम में मिली लाश, पति मिला घायल अवस्था में। सुबह नौकर के पहुंचने पर घटना का खुलासा। चोरू के पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन और पत्रकारों के बीच खेला गया मैत्री मैच। मैच में प्रशासन टीम ने दर्ज की जीत। चोरू की पुलिस लाइन में धूमधाम से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 39 व्यक्तियों को प्रभारी मंत्री ने प्रदान किए प्रशस्ति पत्र। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से बाबा रामदेव के लिए लोगों की पैदल यात्रा रवाना हुई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में जमीनी विवाद को लेकर पति पत्नी के साथ हुई मारपीट, पुलिस कर रही मामले की जांच। सवाईमाधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद की ओर से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन, रंगोली और दीपक से बनाया भारत का नक्शा। चाइल्डलाइन टीम की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। ग्रामीण और बच्चों को बाल संरक्षण अधिकारों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों से बाल श्रम नहीं करवाने और बाल विवाह नहीं करने के लिए भी समझाइश की गई। सिरोही जिले के शिवगंज में बारिश का दौर शुरू, किसानों के चेहरे पर छाई खुशियां। सिरोही के अबरोड में बारिश की वजह से तलहटी में धंसी सड़क, रास्ता हुआ अवरुद्ध, लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की खंडार रेंज की जिला सागर बांध हुआ लबालब। बांध में पानी आने की वजह से गांव को सिंचाई के लिए मिल सकेगा पर्याप्त मात्रा में पानी। सिरोही जिले के रेवदर में झाबुआ नाले में पानी की आवक बढ़ने से आवागमन बाधित, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत, दरअसल गजेंद्र सिंह शक्तावत की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, करीब 400 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उदयपुर के झाडोल में दो दिन पहले मिले विवाहिता के शव को लेकर ससुराल और पीआर पक्ष के लोगों में मौताना वार्ता जारी, जिसके चलते शव का नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। पीपलकोट के नालपाड़ा गांव में डॉलर नाले पर काफी समय से टूटी पड़ी है पुलिया, आने जाने में ग्रामीणों को हो रही है काफी परेशानी, ग्रामीणों ने की पुलिया निर्माण की मांग। अजमेर के ब्यावर में दिव्या ज्योति विशेष स्कूल में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया। करौली बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी कार्यालय पर किया ध्वजारोहण। करौली जिले के मंडरायल में लोगों ने मंडरायल किले पर ध्वजारोहण किया। हिंडौन से टीम में स्वतंत्रता दिवस पर महाराजा सूरजमल जाट छात्रावास पर जाट समाज 84 के अध्यक्ष देवी सिंह कलसाडा ने किया ध्वजारोहण। करौली जिले के चैनपुर में हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। बारा जिले के ऊनी गांव में एक युवक ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूदू में स्वतंत्रता दिवस पर जी मीडिया के स्थानीय पत्रकार शिव कुमार शर्मा को पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर एसडीएम ने सम्मानित किया। जैसलमेर के किशनगढ़ में भारत पाक सीमा पर मौजूद राजकीय विद्यालय में हुआ ध्वजारोहण। भीलवाड़ा के रायला में खाटू श्याम से सांवरिया जी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु की मारुति वैन पलटे। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में बारिश से गिरा बरगद का पेड़। दौसा के बांदी कुई में जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए 24 लोगों की मूर्तियों का स्मारक में किया गया अनावरण। दौसा के कालाखो अंबाड़ी गांव में दो मंजिला जर्जर इमारत पर चढ़ा सांड। डूंगरपुर जिले के वस्सी पंचायत को चोरों ने बनाया निशाना। राजसमंद के आमेट में पुलिस ने 23 लाख की चोरी का खुलासा किया। डूंगरपुर जिले के पिपलादा गांव में 3 दिन पहले मिली पेड़ से लटकी हुई युवती के शव को चौथे दिन हुआ पोस्टमार्टम। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक युवक का हाथ कटा शव मिले से सनसनी। जालौर जिले के सापाड़ा गांव में 2 छात्रों के अन्य लड़कों ने की पिटाई। चूरू कलेक्ट्रेट में राज्यपाल का नाम जिला कलेक्टर को, भाजपा एससी मोर्चा की ओर से ज्ञापन। भरतपुर में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतर रही बुजुर्ग महिला की ट्रेन के नीचे आने से जान बाल बाल बचे। राजसमंद में जालौर की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में मानसून की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम के पोल खोल कर रख दिए। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय के वगतपुरा मुंगाड़ा पारसोला समेत जिले भर के कई आदिवासी अंचल के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर उफानती नदी पार करने को मजबूर। नागौर जिले की मिर्ता पंचायत समिति में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। जालौर की घटना को लेकर पुष्कर के दलित समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। टोंग के पीपलू मंडल के चौगाई में 75 ट्रैक्टर पर विशाल किसान तिरंगा रैली का आयोजन। बाड़ी में सीओ मनीष कुमार शर्मा ने ट्यूशन सेंटर पर और कोचिंग संचालकों की बैठक ली। धौलपुर के सैपो में पंचायत रिकॉर्ड और पट्टा बुक गायब करने समेत निजी आय की राशि के गबन का आरोप सरपंच पर लगा।
और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।